हेलो बच्चों बच्चों, जैसे कि हम जान गए हैं कि हम अंग की मात्रा का अभ्यास कर रहे हैं इस सप्ताह, तो हमने यहाँ पे देखिए बोर्ड पर कुछ चित्र बनाए हैं। अब ये चित्र के नाम लिखने हैं और ये चित्र के नाम अंग की मात्रा से बने हैं, ठीक है। तो ये शब्द हम लिखेंगे और आप भी साथ साथ इसको अभ्यास कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पंख, पंख है ना, तो हम ये लिखेंगे पंख। ये भी हमने यहां लगा दी पंख। दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं हमारे पास है हमारे देश का झंडा, तो हम लिखेंगे झंडा। झंडा नीचे आ जाए पतंग, जो सबको पसंद है, पतंग उड़ाना सबको पसंद है ना, आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और ये हम लिखेंगे पतंग, कहाँ आएगी बिंदी, अनुस्वार यहाँ लगेगा, ग के ऊपर लगेगा, ठीक है। नीचे हम एक अंगूर का गुच्छा देख पा रहे हैं, तो नाम लिखेंगे हम इसका अंगूर। आगे ऊपर बिंदी आएगी अंगूर। अब हमने यहाँ पे क्या बना रखा है, यहाँ पे हम देख रहे हैं शंख, तो हम लिखेंगे शंख, ठीक है। अब दो क्या दिख रहा है आपको, दो कंगन, ये क्या है चित्र है कंगन, तो लिखेंगे हम इधर आपके ऊपर विधि लगेगी कंगन। ये हमारे पास है चंदा है ना, चंदा। चौथे ऊपर विधि लगेगी चंदा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक चित्र है, एक गाय का चित्र है, हंस, हंस, तो हम लिखेंगे ह और बिंदी बनेगी ह के ऊपर, हंस। अगला दिया हुआ हमारे पास कुछ नंबर है ना, 1, 2, 3, 4 हमने नंबर लिख कर रखा है, इसको क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, अंक, हिंदी में क्या बोलेंगे, अंक। तो हमने आ के ऊपर बिंदी लगा दिया, अनुस्वर लगा दिया, ये है अंक। और लास्ट में हमारे पास है अंडा। तो बच्चों हमने यहाँ पे चित्रों के नाम लिख लिए हैं, आप ये नाम जो है कौन से मात्रा से बने हैं, अंग की मात्रा से। एक बार हम इसका रीडिंग करिए, पंख, झंडा, पतंग, अंगूर, शंख, कंगन, चंदा, हंस, अंक और अंडा। तो हमने कुछ चित्र के नाम लिख लिए हैं। बच्चों आप भी घर में कुछ इस तरह के चित्र बनाओ, हम ये अभ्यास हर मात्रा के साथ कर सकते हैं। चित्र अगर आपको बनाना नहीं आ रहा है, चित्र देखकर फिर आप उसका नाम लिखो, नहीं तो किताब खोलिए, अपना पुस्तक खोलिए, उसमें जो चित्र दिख रहा है और वो जो मात्रा कर रहा है उस मात्रा के शब्द को ढूंढिए और उसके चित्र को देखकर आप लिख सकते हो और अपना खुद का अभ्यास भी कर सकते हो। थैंक यू बच्चों।